हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक टू वेस्टनोर्स ट्यूटोरियल। और आज हम बात करने वाले हैं 20 कैनेडियन इंग्लिश लिटरेचर इम्पोर्टेंट वर्क्स के बारे में। तो ये आप लोगों का पॉलिटेक्निक का जो सिलेबस है लेक्चरर का 2024 का उसका पार्ट है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन कौन से वो 20 इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं जो आप लोगों को लर्न होनी चाहिए या आप लोगों को कर लेने हैं अगर आप कैनेडियन इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी कर रहे हैं। तो पहला वर्क है आपका एन ऑफ ग्रीन गैबल्स। ये आपका एलम मैंटगोमरी के द्वारा लिखा गया है। पब्लिकेशन जो ईयर है वो है आप लोगों का 1908। द नॉवल फॉलोज द लाइफ ऑफ एन शर्ले। तो मेन जो कैरेक्टर है आप लोगों का, वैसे कैरेक्टर लिस्ट मैंने आप लोगों को नीचे बना कर दी है। एन शर्ले के बारे में कहानी है। एन इमेजिनेटिव एंड टॉकेटिव ऑफन हु इज मिस्टेकनली सेंट टू लिव विद मार्ला एंड मैथ्यू कदबर्ड, अ ब्रदर एंड सिस्टर हु वॉन्टेड टू अडॉप्ट अ बॉय टू हेल्प देम ऑन देयर फार्म। तो कैरेक्टर्स आप लोग देख सकते हैं, एन शर्ले एंड मार्ला कदबर्ड, मैथ्यू कदबर्ड, डायना बेरी एंड गिलबर्ट ब्लाइथ। तो मेन कैरेक्टर भी अगर आप लोग याद कर लेते हैं 20 वर्क्स के, तो आप लोग देखिए आप लोगों को पब्लिकेशन डेट याद रहे, ठीक है, साथ में आप लोगों को कैरेक्टर्स याद रहे और कुछ आप लोगों को बैकग्राउंड स्टोरी और थीम्स रहे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अभी एलटी के एग्ज़ाम्स में भी थीम्स बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइटर के बैकग्राउंड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब आप लोगों को डिटेल्ड स्टडी की आदत डाल लेनी चाहिए। जो हम फैक्ट वाइज पढ़ा करते थे टीजीटी पीजीटी में, उससे थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा। जो जेनर की अगर हम बात करें तो ये आपका चिल्ड्रन लिटरेचर से रिलेटेड है। लिटरेरी एरा अर्ली 20th सेंचुरी, इमेजिनेशन, आइडेंटिटी, बिलोंगिंग, जेंडर रोल्स एंड सोशल क्लास, ये थीम्स हैं। तो इतनी चीज़ें होपफुली ये सारी चीज़ें आप लोगों की हेल्प करेंगी। द हैंडमेड्स टेल, ये मार्गरेट एटवुड की है जो कि आप लोग पब्लिश हुई थी 1985 में। समरी देखते हैं, ये एक डायस्टोपियन फ्यूचर में सेट है, सेट इन अ डायस्टोपियन फ्यूचर। द नॉवल एक्सप्लोर्स अ सोसाइटी वेयर वुमेन हैव लॉस्ट ऑल राइट्स एंड आर यूज्ड सोलेली फॉर रिप्रोडक्शन। द स्टोरी फॉलोज ऑफर्ड अ हैंडमेड हु नेविगेट्स दिस अप्रेसिव वर्ल्ड वाइल रिमेंबरिंग हर लाइफ बिफोर द रिजाइन। कैरेक्टर्स देखते हैं, ऑफर्ड, सेरेना जॉय, द कमांडर, मोयरा एंड निक। डायस्टोपियन फिक्शन है, स्पेकुलेटिव फिक्शन है, तो आपको डायस्टोपियन याद रखना है। इसमें लेट 20th सेंचुरी से बिलोंग करती है। जेंडर ऑपरेशन, टोटलिटेरियनिज्म एंड फ्रीडम, आइडेंटिटी, रेजिस्टेंस, ये इसकी थीम्स हैं। फिफ्थ बिजनेस बाय रॉबर्टसन डेविस 1970 में पब्लिश हुई थी। द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ डनस्टन रैमसे, अ टीचर एंड हिजियोग्राफर हुज लाइफ इज डीपली अफेक्टेड बाय द स्नोबॉल थ्रोइंग thrown during childhood. The story explores themes of guilt, religion and the role of the fifth business, a term for a person who plays a crucial but subordinate role in the lives of others. Characters कौन कौन से इसमें, Dunstan Ramsay है, Percy Boyd Staunton है, Paul Dempster है, Mary Dempster। Genre कौन कौन से, साइकोलॉजिकल नॉवल है, बिल्डिंग्स रोमन है। तो एग्जाम्पल में और बैकग्राउंड और जनरल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग उनको याद कर लीजिए। लिटरेरी एरा लेट 20th सेंचुरी, गिल्ट, मिथ, रिलीजन, आइडेंटिटी, फेट, ये आप लोगों के थीम्स है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी है क्लास वाली वीडियोस में, ऑलरेडी जो कोर्सेज में दे रहे हैं उसमें मैंने आपको बताया है कि आप लोगों को क्या करना है, ये किस तरह से लिस्ट बना सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट जितने वर्क्स हैं उनके नाम इस तरह से लिख लीजिए नीचे को, ठीक है, यहाँ पे पब्लिकेशन लिख लीजिए। आप लोगों को मैं पीडीएफ भी तैयार करके दूंगा, लेकिन बाद में, पहले आप लोग थोड़ी सी मेहनत अपनी तरफ से लिखेंगे तो जितना ज़्यादा आप लिखेंगे तो उतना ज़्यादा आप लोगों को लर्न होगा। पब्लिकेशन कीजिए, किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का नाम लिखिए और जेनर का लिख लीजिए, जैसे बिल्डिंग्स रोमन आ गया, ठीक है, ऊपर डायस्टोपियन आ गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस तरह से एक लिस्ट बना लेनी है 20 वर्क्स की। बाकी आप लोगों को राइटर वाइज मैं आप लोगों को दे ही रहा हूँ। द स्टोन एंजल बाय मार्गरेट लॉरेंस, ये मार्गरेट लॉरेंस का है 1964। और देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों का इस तरह से और कंप्लीट हो जाएगा कि जो आप लोगों का कंट्री वाइज आप लोगों को अगर कोई राइटर पूछे जाते हैं कि कोई भी ग्रुप पूछ लिया जाए कि उनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है, तो आप लोग कर लेंगे। जैसे कि अभी अमेरिकन लिटरेचर में आप लोगों का एलटी में भी पूछा गया था, ठीक है, इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन कर सकते हैं। उसमें भी मैंने आप लोगों को जो अमेरिकन की लिस्ट दे रखी थी उससे आप लोगों का वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। तो अगर आप लोग लिस्ट करते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को हेल्प मिलेगी। द नॉवल फॉलोज हैगर्स शिपले,
A 19-year-old woman who reflects on her life filled with prides, stubbornness, and emotional repression. Through her memories, the reader sees how her traits have impacted her relationship and life choices. हैगर शिपले, ब्रैम शिपले, मावन शिपले एंड जॉन शिपले. जनरा में देखें लिटरेरी फिक्शन है, कैनेडियन रियलिज्म आप लोगों को देखने को मिलेगा. मिड 20th सेंचुरी का ये लिटरेरी वर्क है. प्राइड, एजिंग, डेथ, फैमिली एंड एलिनिएशन, ये सारी इसमें आपको थीम्स हैं. लाइफ ऑफ पाई बहुत फेमस है येन मॉर्टल का. येन मॉर्टल ने इसे लिखा है 2001 में. ये स्टोरी है आप लोगों की लाइफ पाई पटेल, अ यंग इंडियन बॉय हु सर्वाइव्स अ शिपवर्क and is stranded on a lifeboat in a Pacific Ocean, in the Pacific Ocean with a Bengal tiger named Richard Parker. ठीक है, उसका नाम उसने रिचर्ड पार्कर रखा था. The novel explores the themes of survival, faith and nature of reality. पाय पटेल, रिचर्ड पार्कर, संतोष पटेल एंड गीता पटेल इसमें कैरेक्टर्स हैं आप लोगों के. जनरा में देखें तो एडवेंचर फिक्शन फिलोसॉफिकल नॉवल जनरा का है. 21st सेंचुरी का वर्क है. सर्वाइवल, फेथ, नेचर ऑफ रियलिटी, स्टोरी टेलिंग, स्पिरिचुअलिटी, ये सारी थीम्स थी. नेक्स्ट है आप लोगों का द इंग्लिश पेशेंट बाय माइकल ओदांत जी. पब्लिकेशन ईयर है 1992. सेट ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द नॉवल इंटरट्वाइंस द स्टोरी ऑफ फोर डिसिमिलर इंडिविजुअल्स ब्रॉट टुगेदर in an Italian villa. An injured English patient, his nurse, a sick sapper and a Canadian thief. The novel dwells into themes of love, identity and ravages of war. English patient Amse, Hannah, Kip and Caravaggio, ये इसमें main characters हैं. historical fiction है, literary fiction की हम बात करें तो. ठीक है, late 20th century का ये work है. war, identity, love, memory and trauma, ये इसकी themes हैं. No Great Mischief by Alistair MacLeod. Publication year है 1999. The novel explores the life of Alexander MacDonald, Canadian Scottish descent and his family's history, which is deeply rooted in Scottish Highlands. The story weaves together the past and present, exploring themes of family, memory and loss. Characters Alexander MacDonald, Callum MacDonald and grandparents, family saga, literary fiction, 20th century का work है. family memory, loyalty and cultural identity and loss, ये इसके themes है. Obsession by Joy Kogawa, 1981. The novel deals with the internment of Japanese Canadian during World War II through the eyes of Naomi Nakane, who reflects on her family experience and the lingering trauma of these events. कैरेक्टर्स आप देखेंगे तो नाओमी नाकने एंड आंट एमली ओबेसन, आंट आयको एंड स्टीफन नाकने. हिस्टोरिकल फिक्शन है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है. 20th सेंचुरी में लिखी गई थी. रेसिज्म, मेमोरी, आइडेंटिटी, साइलेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आप लोगों के थीम्स हैं. ठीक है, जो भी लेट 20th सेंचुरी की अगर हम देखें वर्क तो उसमें आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट, रेसिज्म, आइडेंटिटी, साइलेंस, ये सारी चीज़ें, एलिनिएशन, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड की के वर्क्स हैं. द डिविनर्स मार्गरेट लॉरेंस का वर्क है, 1974 में पब्लिश हुआ था. द नॉवल फॉलोज मॉरेक गर्न, अ राइटर हुज रिफ्लेक्ट्स ऑन हर लाइफ फ्रॉम हर अपब्रिंगिंग इन अ स्मॉल टाउन टू हर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप एज एन एडल्ट. द नैरेटिव एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, आइडेंटिटी एंड द क्रिएटिव प्रोसेस. कैरेक्टर्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मॉरेगन, जूलिस टॉनर, पेक, क्रिस्टी लॉगन. लिटरेरी फिक्शन की हम बात करें तो बिल्डिंग्स रोमन है एंड लेट 20th सेंचुरी में इसको का टाइम पीरियड है. आइडेंटिटी, क्रिएटिविटी, सेल्फ डिस्कवरी, मेमोरी एंड बिलोंगिंग्स. इन द स्किन ऑफ लाइन बाय माइकल ओदांत जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं आप लोगों का कैनेडियन इंग्लिश लिटरेचर में. 1987 द नॉवल फोकसेस ऑन द लाइव्स ऑफ इमाइग्रेंट लेबरर्स इन टोरंटो during the early 20th century. It intertwines the lives of various, including Patrick Lewis character aap logon ka, a worker who becomes involved in a construction of a city, and Alice Girl, a political activist. Patrick Lewis, Alice Girl, Ambrose Small and Clara Dickens aapke characters hain. Genre historical fiction hai aap logon ka,
लेट 20th सेंचुरी का वर्क है, इमाइग्रेशन, लेबर पावर, आइडेंटिटी एंड लव, ये आप लोगों की थीम्स में आ जाएंगे। सरफेसिंग बाय मार्गरेट एटवुड 1972 में पब्लिश हुआ था। दिस नॉवल फॉलोज एन अननेम्ड फीमेल प्रोटैगनिस्ट हु टर्न्स टू हर चाइल्डहुड होम इन रूरल क्यूबेक टू सर्च फॉर हर मिसिंग फादर। एज शी ड्वेल्स इन टू हर पास्ट शी एक्सपीरियंसेस अ साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एन अवेकनिंग ऑफ हर आइडेंटिटी। द नैरेटर अननेम्ड जॉय डेविड एनाना। साइकोलॉजिकल नॉवल है, फेमिनिस्ट फिक्शन का पार्ट है, लेट 20th सेंचुरी का वर्क है। आइडेंटिटी, नेचर, फेमिनिज्म, एलिनिएशन एंड मेमोरी, ये इसकी थीम्स है। द अप्रेंटिस बाय डैडी क्रेडविच क्रेविच बाय मॉर्डिका रिचलर। पब्लिकेशन ईयर है 1959। द नॉवल क्रॉनिकल्स द राइज ऑफ डैडी क्रेडविच। जो कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर आप लोगों का डैडी क्रेविच है, अ यंग ज्यूइश मैन इन अ मॉन्ट्रियल हु इज डिटरमाइंड टू बिकम somebody by acquiring land and wealth even if it means sacrificing his morals and relationship. Characters हम देख चुके हैं, डैडी क्रेविच एंड मैक्स क्रेविच, यूएटी ड्यूरल एंड वर्जिल रोजबोरो। तो ये आप लोगों का ज्यूइश नेम्स हैं। कमिंग ऑफ एज नॉवल एंड ये सटायर भी है आप लोगों का, 20th सेंचुरी टाइम पीरियड का है। एम्बिशन, मॉरलिटी, आइडेंटिटी, द माइग्रेंट एक्सपीरियंस एंड कैपिटलिज्म। माइग्रेंट जो है वो भी बहुत बड़ा इशू है, माइग्रेशन, ठीक है। तो जैसे हमने अभी अफ्रीकन लिटरेचर का देखा था, अफ्रीकन लिटरेचर में क्या था आप लोगों का, पार्सिट सिस्टम का बड़ा पार्ट था। वैसे ही कनाडा में आप लोगों का इमाइग्रेंट वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपको जब आप एग्ज़ाम में तुक्का मार रहे होते हैं तो उस टाइम आप लोगों को थोड़ा सा सटीक तुक्का मारने में ये चीज़ें मदद करती हैं, जब हमें बैकग्राउंड का नॉलेज होता है। एज फॉर मी एंड माई हाउसेज बाय सिंक्लेयर रॉस। पब्लिकेशन जो है 1941 का है। सेट इन अ स्मॉल डेसोलेट कैनेडियन प्रैरी टाउन ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, द नॉवल इज टोल्ड थ्रू द डायरी एंट्रीज ऑफ मिसिज बेंटले, द वाइफ ऑफ अ मिनिस्टर। इट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ आइसोलेशन, डिसल्यूजनमेंट एंड स्ट्रगल फॉर स्टेंड मैरिज। मिसिज बेंटले नैरेटर है, फिलिप बेंटले एंड जूडिथ वेस्ट। जेनर की बात करें तो मॉडर्निस्ट नॉवल है, साइकोलॉजिकल फिक्शन है, 20th सेंचुरी में पब्लिक है। आइसोलेशन, मैरिज, डिसल्यूजनमेंट, रिलीजन एंड सर्वाइवल, ये थीम्स हैं। ग्रीन ग्रास रनिंग वाटर बाय थॉमस किंग, 1993 का वर्क है। द नॉवल ब्लेंड्स नेटिव अमेरिकन माइथोलॉजी विद कंटेम्प्ररी लाइफ इन अ ह्यूमरस एंड सटायकल नैरेटिव। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ फोर नेटिव एल्डर्स हु एस्केप फ्रॉम अ मेंटल इंस्टीट्यूशन टू फिक्स द वर्ल्ड, इंटरट्वाइन देयर जर्नी विद द लाइव्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स ऑफ द ब्लैकफुट कम्युनिटी। कैरेक्टर्स की हम बात करें तो नीचे आप लोगों को कैरेक्टर्स दिखाते हैं। लियोनल रेड डॉग, एली स्टैंड्स अलोन, अल्बर्टा फ्रैंक एंड चार्ली लुकिंग बियर। मैजिकल रियलिज्म एंड सटाया आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेट 20th सेंचुरी। इंडिजीनियस आइडेंटिटी, स्टोरी टेलिंग, कॉलोनाइजेशन, कल्चरल सर्वाइवल, कम्युनिटी, ये थीम्स हैं आप लोगों की। अ फाइन बैलेंस बाय रोइंटन मिस्ट्री, 1995। द नॉवल इज सेट इन इंडिया ड्यूरिंग द इमरजेंसी ऑफ 1975-77 एंड फॉलोज द लाइफ्स ऑफ फोर कैरेक्टर्स हु कम टुगेदर इन अ स्मॉल अपार्टमेंट इन बॉम्बे। द स्टोरी एक्सप्लोर्स देयर स्ट्रगल एंड रिलेशनशिप अमिड पॉलिटिकल एंड सोशल टर्मोइल। डीना दलाल, ईश्वर दर्जी, ओम प्रकाश दर्जी एंड मानिक कोला। हिस्टोरिकल फिक्शन है, सोशल रियलिज्म है, 20th सेंचुरी से बिलोंग करती है। पोएट्री, ऑपरेशन सर्वाइवल, फ्रेंडशिप एंड होप, ये इसकी थीम्स है। द लव ऑफ गुड वुमेन बाय एलिस मुनरो, इंपॉर्टेंट वर्क है आप लोगों का, 1998। दिस कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एक्सप्लोर्स द लाइव्स ऑफ वुमेन इन ए स्मॉल टाउन कैनेडा, एग्जामिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रिलेशनशिप, मॉरलिटी एंड द पैसेज ऑफ टाइम। द टाइटल स्टोरी फोकसेस ऑन अ नर्स हु डिस्कवर्स अ डार्क सीक्रेट इन अ स्मॉल टाउन। कैरेक्टर्स इन इट फ्रॉम द टाइटल स्टोरी एंड रूपर्ट सेस फॉन, मिसेस क्विन। शॉर्ट स्टोरी एंड लिटरेरी फिक्शन,
20th सेंचुरी से बिलोंग करता है एंड मॉरलिटी सीक्रेट रिलेशनशिप स्मॉल टाउन लाइफ द पैसेज ऑफ टाइम द ऑरेंज बाय जोसेफ बॉयडन 2013 में पब्लिश हुई थी सेट इन 17th सेंचुरी एंड द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ थ्री मेन कैरेक्टर्स इसमें तीन मेन कैरेक्टर्स है यूरन वॉरियर अ यंग इरोक्वाइस गर्ल एंड जेसुइट मिशनरी whose lives are intertwined during the period of early Europe, European colonization in Canada, Bird, Snow Falls, Christian Crow, and historical fiction है 21st century का work है colonialism आप लोगों को देखने को मिलेगा and cultural clash, survival, spirituality and violence. Fall on Your Knees by Annie Mary MacDonald 1996 the novel spans several generations of the Piper family exploring their dark secrets, love and tragedy in early 20th century Cape Breton, Nova Scotia. The narrative dwells into themes of family, race and identity. Characters James Piper, Maria Piper, Kathleen Piper, Francis Piper, Lily Piper. Family saga gothic fiction ka ye genre hai. Late 20th century mein likha gaya hai. Family secret identities. Race, Love, Tragedy, Unless by Carol Shield. 2002 में पब्लिश हुआ है द नॉवल फॉलोज रेटा विंटर्स अ सक्सेसफुल राइटर एंड मदर एज शी ग्रैपल्स विद द सडन डिसीजन ऑफ हर एल्डेस्ट डॉटर नोरा टू लिव ऑन द स्ट्रीट ऑफ टोरंटो विद अ साइन दैट रीड्स गुडनेस रेटाज जर्नी टू अंडरस्टैंड हर डॉटर्स चॉइस एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ मदरहुड राइटिंग एंड मीनिंग ऑफ गुडनेस Rita Winters, Nora Winters, and Tom Winters, Daniel Westerman. Philosophical novel hai, 21st century ka work hai. Themes, motherhood, identity, goodness, writing, mental illness. The Colony of Unrequited Dreams by Wayne Johnston. 1998. The novel is fictionalized account of the life of Joy Smallwood. The first premier of Newfoundland, they explores the political and personal struggles leading up to Newfoundland's confederation with Canada in 1949. Characters Joey Smallwood, Shelagh Fielding, Jim McGraw, and Josephine Smallwood. Political fiction hai, 20th century ka work hai. Ambition, identity, politics, history, and personal वर्सेस पब्लिक लाइफ अगर आप लोग हमारे किसी भी कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर